राकेश रोशन की सर्जरी के बाद ऋतिक ने पीएम मोदी को दिया हेल्थ अपडेट, बताया अब कैसे हैं पिता। ऋतिक रोशन ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बताया कि उनके पिता राकेश रोशन को गले का कैंसर हो गया है। ऋतिक ने राकेश रोशन के साथ जिम की एक फोटो शेयर की और बताया कि उन्हें कैंसर हुआ है। साथ ही ये भी कहा कि सर्जरी के दिन भी उन्होंने जिम मिस नहीं किया। इस खबर के मीडिया में आते ही फैंस और बॉलीवुड स्टार्स से लेकर पीएम मोदी तक ने राकेश रोशन के अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर ट्वीट किया। पीएम ने लिखा, डियर ऋतिक, श्री राकेश रोशन जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। वे फाइटर हैं। मुझे भरोसा है कि वे साहस के साथ इस चुनौती का सामना करेंगे। इसके जवाब में ऋतिक ने भी पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। ऋतिक ने लिखा, थैंक यू सर आपकी शुभकामनाओं के लिए। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टरों के अनुसार पिता की सर्जरी अच्छे से हुई। बता दें, ऋतिक ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके पिता को कुछ हफ्ते पहले स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की पहली स्टेज डायग्नोज हुई। पिछले दिनों कई बॉलीवुड सेलेब्स के कैंसर की चपेट में आने की खबर आई थी। इरफान खान और सोनाली बेंद्रे के गंभीर बीमारी से जूझने की खबर ने फैंस को हैरत में डाला था। अब इस लिस्ट में राकेश रोशन का भी नाम शामिल हो गया है। ये एक तरह का थ्रोट कैंसर है। राकेश रोशन की वर्क फ्रंट की बात करें तो वे कृष्ण फ्रेंचाइजी की चौथी सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन एक बार फिर सुपर हीरो के रोल में देखेंगे। वहीं ऋतिक इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सुपर 30 का प्रमोशन कर रहे हैं।